दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि BTS ने बताया था उनका यट टू कम कॉन्सर्ट मूवी की तरह इंडिया में रिलीज़ होने वाला है बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्सर्ट को लेकर इंडियन आर्मीज रिसेंटली बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि 1 फरवरी को रिलीज़ होने वाले इस कॉन्सर्ट की टिकट्स अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। पर दोस्तों, फाइनली हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सबसे पहले, और वो ये है कि अब इंडियन आर्मीज अपने टिकट्स को बुक कर सकती हैं और फटाफट आपको भी अपने टिकट्स बुक कर लेने चाहिए क्योंकि ये टिकट इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। और इसी खुशखबरी की बात पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक इंडियन आर्मी जब भी BTS के ऑफिशियल साइट पर जाकर अपनी सिटी के सिनेमाज या फिर सिनेमा हॉल्स में चेकिंग कर रही थी तो वहाँ पर उनको कमिंग सून ही लिखकर दिखाई दे रहा था और इसकी वजह से वो टिकट्स बुक नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब फाइनली बहुत ही सारे इंडियन आर्मीज को पता चला है कि BTS के ये टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। पर दोस्तों, अभी भी ग्लिच ये है कि अगर आप BTS की येट टू कम इन सिनेमाज वाली साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी आपको कमिंग सून का टैग ही नजर आएगा और आप अपने टिकट्स को बुक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हैं? दोस्तों, आप अपने टिकट्स को बुक माई शो की साइट पर जाकर बुक कर सकते हैं या फिर PVR सिनेमास की साइट पर जाकर भी आप अपने शोज़ को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे इंडियन आर्मीज़ ने ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए शोज़ बहुत जल्दी फील हो रहे हैं, तो फटाफट से अपने शोज़ को बुक कर लीजिए। दोस्तों, बात करें प्राइस की तो इस बार BTS के कॉन्सर्ट के प्राइस बहुत ही रीज़नेबल हैं और मैक्सिमम जगहों पर ये 400 या 500 रुपीस से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो 2D में या फिर 4D में। तो दोस्तों, 2D में आपको बहुत ही बेसिक सा इफेक्ट दिखेगा जैसा कि एक नॉर्मल मूवी में दिखता है, लेकिन 4D के जो ट्रेलर्स लॉन्च हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको विजुअल के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी फील होंगे, आपकी सीट्स भी मूव करेंगी और बहुत ही सारे इफेक्ट आपको फील होंगे। तो दोस्तों, आप अपनी सिटी में बुक माई शो या फिर PVR शोज पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके सिनेमाज में 4D है या फिर नहीं है, उस हिसाब से आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, टिकट्स के प्राइस 300-400 से स्टार्ट हो रहे हैं सिटीज़ में और ये 1200-1500 तक भी गए हुए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सिटी का प्राइस क्या है, उसको आप बुक माई शो पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो आर्मीज़ ने बहुत ही फटाफट से अपने टिकट्स को बुक करना स्टार्ट कर दिया है और वो फाइनली बहुत खुश है कि BTS की मूवी इंडिया में रिलीज़ हो रही है इतने बड़े स्केल पर। अब देखना यह है कि इंडियन आर्मीज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस कॉन्सर्ट में, और दोस्तों, वो सारी वीडियोस भी हम आपके साथ अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप भी फटाफट से जाकर अपने टिकट्स को बुक कर लीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं हैं। और दोस्तों, हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी BTS के इस कॉन्सर्ट को इंडिया से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जिसकी वजह से BTS भी इंडिया को प्रेस करें। साथ ही साथ, आप इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।